दीपावली के 5 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं और गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार और उसके कोप से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए इस लीला को किया था, जिसमें उन्होंने भयंकर बारिश और तूफान से लोगों की रक्षा की और गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगली उंगली पर उठा लिया। इसी की याद में शारदा काली मंदिर में गोवर्धन पूजा के साथ साथ भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस दौरान महंत रामजी शरण महाराज ने बताया कि गोवर्धन पूजा का आखिर महत्व क्या होता है। देवताओं को 56 भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने उनकी आरती की और बाद में सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु जी, जय श्री राम। आज हमारे सनातन धर्म में दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा हमारा सनातन धर्म मनाता है। जब हमारे मथुरा वृंदावन में के भगवान शंकर के भक्तों के ऊपर इंद्र के द्वारा कष्ट आया, ऐसी वर्षा, ऐसी हवाएं कि पूरी बस्ती उड़ने लगी, उस समय सब भगवान कृष्ण जी के पास गए, बोले प्रभु हमारी रक्षा किया जाए। उस समय भगवान छिंगली से वो गोवर्धन पर्वत को उठा करके और अपने भक्तों का, अपने सेवकों का रक्षा किए। उस पर्व में जब भक्त लोगों की रक्षा हुई तो भक्तों के अंदर एक प्रेरणा हुई कि भगवान हमारे लिए अपना पूरी शक्ति लगा करके हमें जीवन दान दिए और इंद्र से हमारी रक्षा किए, क्यों न होगी अपने अपने घर से जो भी रूखा सूखा भोग है हम भगवान को अर्पण करें। तब से हमारे सनातन धर्म में 56 प्रकार का भोग एकत्रित हुआ उस नगर से और भगवान को अर्पित करके, जो एक ऋण था भगवान के ऊपर भक्तों का, तो भक्तों का प्रसाद स्वीकार करके उनको ऋण मुक्त किए। और ऋण मुक्त होने के बाद से जो गौ माता थी वो गौ माता ने भगवान कृष्ण को और सनातन धर्म को उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिन घरों में गोबर का गोवर्धन बनाया जाएगा और जिस घर में गोबर लीपा जाएगा, आज से साक्षात लक्ष्मी जी गोबर पे वास करेंगी और गंगा मैया गौमूत्र पे वास करेंगी। तब से हमारे घरों में गाय का गोबर से लीपा जाता है। गोवर्धन की आज हमने पूजा किया है, गोवर्धन भगवान हमने बनाया और पूजा करके सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए हम ऐसा प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से कि सबके घरों में सुख शांति रहे और सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, शारदा काली मैया की, शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की। आज गोवर्धन पूजा का दिवस है और इस पूजन में सीधा सीधा अर्थ है गोवर, मतलब जो गाय के द्वारा जो हमें सनातन धर्मियों को जो वरदान मिला है उसका नाम है गोबर, और हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे धर्म में ये सब लीलाएं केवल सनातन धर्म में होती हैं। भगवान कृष्ण ने एक छिंगली से गोवर्धन को उठा करके और ब्रजवासियों की रक्षा की इंद्र के प्रकोप से, और इंद्र भी समझ गया कि अब भगवान ने अवतार ले लिया है और हमारा मान मर्दन हो गया है, तो भगवान की शरण में आ गया। तब से गोवर्धन की पूजा होती आ रही है। हम आरती में, प्रत्येक आरती में, जैसे आज भी हमने सुना धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, हमें ये बहुत समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो मुख्य बिंदु हमारा ये है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो हमारे सनातन के विपरीत आचरण हो वो अधर्म है, और जो सनातन के हमारी देव देवताओं की, गंगा माता, गौ माता, गोविंद, गायत्री, अपने देवता, अपने गुरुदेव, अपने गुरुजन, जो इनका सम्मान हो जहाँ वही धर्म है, और जहाँ इनका अपमान हो वही अधर्म है, वही आप आतंक समझो। और आज का जो दिवस है, अभी 2 दिन बाद धर्म और अधर्म के बीच में ही निर्णय होने वाला है। तो हम तो सब सनातनियों से यही कहेंगे
कि भैया धर्म के साथ रहो, सनातन के साथ रहो, सनातन को मिटाने वालों का साथ छोड़ो, उनको मिटने के लिए छोड़ दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमारे खड़ेसर भैया भी आ गए हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम। बोलो काली माता की। आज का यह पावन पवित्र अवसर राम जी शरण महाराज जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी की लीला के अंतर्गत गोवर्धन की पूजा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है और सनातन धर्म ही सबको लेकर के चलने वाला एक धर्म है और इस धर्म के अंतर्गत ही हम सब लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, नाती पोते, जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, हम सब लोगों को उनके अंदर संस्कार डाल करके और गौ माता की, भगवान सूर्य की, तुलसी माता की, सबकी आराधना में क्या पवित्रता है और हम सब लोगों को उसका क्या लाभ है, ये सनातन धर्म के अंदर ही सिखाया जाता है। अन्य जितने भी हैं ये सब पंथ हैं, कोई धर्म नहीं है, लोगों को भ्रमित फैलाया जाता है। और मैं इस अवसर पर सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने पथ से न भटकें, सनातन धर्म ही आपको सदगति देगा, पुण्य गति देगा, आपके घर परिवार, आपके कुल का जो पताका है वो सनातन धर्म में ही फहरेगी। आप सबको सनातन धर्म की बहुत बहुत बधाई। आप सनातन धर्म में जन्म लिए, जो इस सभी पूजा पाठ से सम्मिलित और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन।